दोस्तों लाइव दिए बगैर रहा नहीं गया। ये एक बीएमसी का जो है स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देखते हुए कि यहाँ पे सी वार्ड ऑफिसर साहब खुद आए हुए हैं, उद्धव चंदन शिवे साहब खुद आए हुए हैं यहाँ पर। और हम आपको बता दें, आप देखिए यहाँ पर इमरजेंसी के लिए ब्लड प्रेशर, फिर आप ये ओमिट्रॉन, ये सारी यहाँ तक कि ग्लूकोज और सारी कैप्सूल दवाई, यानी कि इन्होंने एक मेडिकल वो बना के रखा है यहाँ पर इमरजेंसी के लिए। बहुत अच्छा लगा। और पूरी जो भी कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे आप शोएब खदीब साहब ने बताया था कि तकरीबन 1-1.5 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से बहुत तैयारी रहती है, पानी का अरेंजमेंट, ये साफ सफाई। तो बीएमसी का एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है इसमें, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ हाईलाइट में नहीं होती। मगर आज हमारे कैमरा ने इनको पकड़ लिया। सर, पहले तो हम इनको बहुत वेलकम करते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपका कि आप यहाँ पर एक ये जो है मेडिकल कैंप लगा, आप खुद वार्ड ऑफिसर हो गए, रात को 11 बजे यहाँ पर आए हुए। सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीएमसी की तरफ से जो बड़ी रात है, बड़ा कब्रिस्तान में जो अभी बड़ी रात जो चल रही है, और यहाँ पे जो पब्लिक आ रहे, पब्लिक को कहीं भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमें ये सुविधा नहीं मिले, ये सुविधा मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने मेडिकल कैंप लगाया है, लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो, इसलिए रास्ते का ओपनिंग करके रखा है, रास्ते पे साफ सफाई हो, इसलिए करीबन 10-12 लोग दिन रात काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी अड़चने बीच में आ जाती है उसको सब दूर करने का काम कर रहे हैं। अंदर पानी के टैंकर हमने लगे रखे हैं, करीबन 10 टैंकर ऑलरेडी हमने पहुँचा दिया है, और 2 टैंकर हमने खड़ा करके रखा है, ताकि लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई हमें ये सुविधा नहीं मिली, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी भीड़ हो जाती है। तो बीएमसी का भी फर्ज बनता है कि उनके जो सेवा सुविधा है वो पूरी तरह से मुहैया कराएं। इतने बड़े प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने बीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? आज अभी यहाँ पे करीबन मेरे 50 लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब है, मेरे जेओ लोग हैं, साफ सफाई के लोग हैं, व्हीकल्स अरेंजमेंट की गई है, डब्बे रखे हुए हैं, मेरे मेंटेनेंस के स्टाफ है, पीछे मेरे गार्डन के स्टाफ है, पानी खाते के अधिकारी साथ में है मेरे, वो पूरी तरह से पूरी मुहैया सिस्टम जो है पूरी मुहैया कराई गई है, ताकि कोई भी चीज़ की कमी ना पड़े। जी सर, अभी भी आपने हमारे को हमारा हाथ देख के आप मेरा बीपी बताया था, जरा एक बार वापस जरा ऑन कैमरा करके बताइए। सर, आप भी रेडी रहिए, देखते हैं सर को कितना नॉलेज है। इन्होंने थोड़ी देर पहले मेरा हाथ देख के बताया कि आपको इतने से इतना है, अभी चेक भी कर लेंगे बीएमसी का कितना आता है। अभी आप 135-140 के आसपास। सर, ये तो हमारा टारगेट हमारी चीज़ में आगे ही रहते हैं, बीपी भी हमारा ज़्यादा रहता है। सर, जरा थोड़ा सा लगा दें ये। अच्छा, बहुत सर, लाइव पे कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब बात करते करते बीपी चेक? आप बात नहीं करते? मेरी बात नहीं करते सर, मेरी रोजी रोटी पे वो हो जाएगा सर, मैं बात नहीं करूंगा। तो जी डॉक्टर, आपका नाम क्या? डॉक्टर अमान मर्चे। डॉक्टर अमान मर्चे ने यहाँ पे बीपी करा, चेक करा रहे, मैंने सोचा कि मैं भी चेक कर लूँ, तो जब तक ये रेडी होते तब तक मैं बात करता हूँ। जी, अभी तक खाना नहीं खाए हम, ये पूछ रहे हैं खाना खाए कि आपके पास कोई बंदोबस्त है? बीएमसी ने कोई बंदोबस्त कराई है? मेडिकली आई कैन से कि बंदोबस्त है, बाकी खाने का यू कैन गेट इट बड़ा कब्रिस्तान के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी कब्रिस्तान के जो भी रात को कोई आए, किसी को कुछ, अपन एक चालू नहीं करते, मैं बोल देता हूँ, तो आप याद रखिए पीछे 10 नंबर गेट के सामने बीएमसी का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने हॉस्पिटल बना के रखा है। मैं 2 मिनट 1 मिनट चुप बैठता हूँ। कैमरा का प्रेशर है आपके ऊपर? कैमरा का प्रेशर है, कैमरा का प्रेशर जी। बोलते ना कैमरा है 10 पाउंड। हाँ, ऐसा प्रेशर में भी है। कितना आ रहा है ये? तो सर, ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? नहीं, ये कम नहीं, डिजिटल जमाना है तो थोड़ा सा टाइम है। 175/96 हमेशा हम स्कोर में आगे रहते थे। आप खड़े थे थोड़ा टाइम, इसके लिए भागम दौड़ी कर रहे हैं। ये है बीपी का हमेशा, ये वैसे मुझे ब्लड प्रेशर आई है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ पर कब्रिस्तान में जो भी लोग आए और इमरजेंसी कुछ भी लेंगे, तो आप 10 नंबर गेट के सामने बीजेपी का आप देखे पानी बांट रहे हैं। यहाँ पर जो है बीएमसी का एक काउंटर लगा है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। आइए और अपना जो कभी इमरजेंसी हो, तो आप ऐसा नहीं हो कि 2-2 महीने की दवा डायरेक्ट यहाँ से लेके वो नहीं मिलेगी, खाली इमरजेंसी यहाँ पर आपका इलाज हो, दवा प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे तो दवा भी फ्री है। HBT क्लिनिक भी शुरू हो रहा है, अपना दवा खाना भी। मगर यहाँ पे तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो भी मिलेगा फ्री है, इमरजेंसी होगी। हाँ, इमरजेंसी के लिए, नहीं तो लोग पावती लेके आ जाएंगे जी। तो यहाँ पर आइए, मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर जो जिसको भी कोई भी तकलीफ है, बीएमसी ने यहाँ पर सी वार्ड के हमारे सर, मैं नाम वापस सर भूल गया हूँ, सॉरी, उद्धव
चंदन शिवे साहब सी वार्ड ऑफिसर अभी नए नए आए हुए हैं सी वार्ड में, इन्होंने बताया है। तो आप यहाँ पर आए, इनकी टीम यहाँ पर बैठी है, शायद ही ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, मगर मैं वापस कह रहा हूँ कि 10 नंबर गेट के सामने मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और सारी ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज भी रखा है यहाँ पर। सर आई वी भी दोगे आप यहाँ पर? आई वी देंगे ज़रूरत पड़ी, अगर अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ी तो। अल्लाह ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे खींच के मैं वहाँ बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष इंटरव्यू लेगा, बोले वार्ड ऑफिसर आ गए, वार्ड ऑफिसर आ गए, वार्ड ऑफिसर आ गए। वो रिलेशनशिप उनका है, काम जो करते हैं वो एक रिलेशनशिप बन गया हुआ था, स्पेशली आफ्टर कोविड। बट वो बहुत बहुत जो है आपको वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो खींच के ला रहे थे। चलिए चलिए, और उनका प्यार है जो खींच के ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों एक आखिरी बार वापस कहता हूँ, 10 नंबर गेट के सामने यहाँ पर टीम बैठी हुई है, मेडिकल पीएमसी की टीम बैठी है। आप आइए यहाँ पर, जबरदस्ती मत आना, कुछ हो तो आना, आइए और अपना खुदा ना खास्ता, ये बहुत अच्छी बात कही है, माफ़ी चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम शेख, गली न्यूज़।